दिगंत आपके ऑडियो बुलेटिन खबर दिन भर में हाजिर हूँ मैं अस्मा आपके साथ। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलित अग्रणी किसान संघर्षरत हैं। किसान खुले आसमान के नीचे सिंधु बॉर्डर पर रात गुजार रहे हैं, लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर मोर्चे पर डटे हुए हैं। फलस्वरूप दिल्ली पुलिस ने यात्रियों को हो रही कठिनाइयों के लिए एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली पुलिस की ओर से फिलहाल सिंधु बॉर्डर को बंद किया गया है और वैकल्पिक मार्ग चुने जाने की सलाह दी गई है। सेबी की ओर से जारी निर्देशों में एनडीटीवी के प्रवर्तकों प्रणय राय और राधिका राय पर 2 साल के लिए प्रतिभूति बाजार में कारोबार का रोक लगा दी है। यूपी की राज्यपाल आनंदी बेन ने शनिवार सुबह विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है। आज से महज शादी के लिए अगर लड़की का धर्म बदला गया तो न केवल ऐसी शादियां मान्य घोषित कर दी जाएगी बल्कि धर्म परिवर्तन कराने वालों को 10 साल तक जेल की सजा भुगतनी पड़ सकती है। इस नए अध्यादेश के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बलपूर्वक झूठ बोलकर लालच देकर या अन्य किसी कपटपूर्ण तरीके से अथवा विवाह के लिए धर्म परिवर्तन गैर जमानती अपराध होगा। भारत के मध्य पूर्वी ग्रामीण इलाकों में ग्रामवाणी नामक संस्था जमीनी स्तर पर रिपोर्टरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही है, जिसके अंतर्गत शनिवार के दिन ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण फैक्टशाला न्यूज इंटर न्यूज गूगल न्यूज इनिशिएटिव के सहयोग से आयोजित किया गया। देश भर में भ्रामक खबरों की विश्वसनीयता और तथ्यों की पड़ताल के गुर सिखाए गए। किसानों के दिल्ली मार्च से चिंता में पड़ी केंद्र सरकार बातचीत के जरिए मामला सुलझाने की कोशिश में है, लेकिन किसान सरकार की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। केंद्र सरकार ने प्रदर्शन कर रहे किसानों को दिल्ली आने और बुराड़ी के निरंकारी मैदान में प्रदर्शन करने की मंजूरी दी थी, जिसे अब नाराज किसानों ने ठुकरा दिया है। किसान अब बुराड़ी आने से इनकार कर रहे हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर बड़ा आरोप लगाया और कहा, लालू यादव ने जेल से बीजेपी के विधायक ललन पासवान को फोन कर उनके साथ आने का लालच दिया। जारी वीडियो में विधायक को साफ तौर पर स्पीकर के चुनाव के वक्त अनुपस्थित रहने की बात कही गई। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के कहर के बीच हर रोज मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। दिल्ली में डॉक्टरों की कमी की वजह से सरकार अन्य राज्यों से डॉक्टर को एयरलिफ्ट कर यहां लाने की तैयारी में है। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता के बयान के अनुसार दिल्ली में मिल रहे मरीजों में से 25% लोग बाहर के हैं। पीएम मोदी ने आज 3 शहरों में कोरोना वैक्सीन विश्लेषण के मद्देनजर स्थिति का जायजा लिया। पीएम ने जायडस कैडिला के लैब के निरीक्षण के बाद पुणे और हैदराबाद का भी जायजा लिया। पीएम ने लैब में वैज्ञानिकों से मुलाकात की और उनसे वैक्सीन बनाने की पूरी प्रक्रिया को समझा। आशा है कोरोना की वैक्सीन जल्द बन के तैयार होगी। दिल्ली सरकार ने विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों का स्वागत अतिथि के तौर पर करते हुए उनके खाने पीने और आश्रय का बंदोबस्त किया है। राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न प्रवेश बिंदुओं से हजारों किसानों को प्रवेश करने और उत्तरी दिल्ली के मैदान में कृषि कानूनों के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन की अनुमति दी गई है। किसानों के कुछ प्रतिनिधियों ने बुराड़ी में पुलिस अधिकारियों के साथ निरंकारी समागम ग्राउंड का मुआयना किया। कोरोना वायरस संकट और लॉकडाउन के बीच केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा बनाए गए 3 नए कृषि कानूनों का विरोध पंजाब हरियाणा समेत 6 राज्यों के किसान कर रहे हैं। केंद्र सरकार से 2 बार की विफल बातचीत के बाद 500 किसान संगठनों के लोग राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में डेरा डालकर शांतिपूर्ण आंदोलन कर केंद्र सरकार से उस कानून को वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर आक्रोशित किसानों और पुलिसकर्मियों के बीच टकराव की तस्वीरों के साथ ट्वीट कर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। किसानों के आंदोलन का वीडियो शेयर कर सिद्धू केंद्र सरकार पर बरसे और कहा, सरकार की ओर से लिए गए फैसलों का सीधा असर सरकारी खजानों पर पड़ रहा है। सीधे तौर पर पूंजीपतियों को मदद मिल रही है, आम आदमी आज भी वंचित है। अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को मात देने वाले जो बाइडेन 1 करोड़ से ज्यादा प्रवासियों को अमेरिकी नागरिकता देने वाले हैं। बाइडेन जिन 1.1 करोड़ अप्रवासी लोगों को नागरिकता देने की दिशा में रोडमैप बनाने के लिए काम करेंगे, उनमें 5 लाख भारतीय शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा खत्म होने, उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद पहली बार राज्य में कोई चुनाव हो रहा है। 8 चरणों में होने वाले जिला विकास परिषद चुनाव के पहले चरण में आज वोटिंग हो रही है। राज्य सरकार ने चुनाव के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पहले चरण में कुल 1475 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। स्वरा भास्कर ने ट्वीट कर रिएक्शन दिया है, किसान दिल्ली में आने का प्रयास कर रहे हैं, हालांकि किसानों की ओर प्रशासन की सख्ती देखी जा सकती है। किसानों को रोकने के मद्देनजर जवानों की तैनाती की गई है। नवंबर की ठंड में कभी पानी की बौछार तो कभी लाठी चार्ज करके किसानों को रोकने के भरसक प्रयास जारी हैं।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू चुनाव में हुई जीत की वजह को विकास बता रहे हैं। वहीं विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को कहा कि बिहार की जनता ने मौका दिया है और हम विकास कार्यों को गति देंगे। इस पर पलटवार करते हुए आरजेडी ने कहा कि बिना गठबंधन के लड़कर देख लीजिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक भारत भालके का कोविड 19 के बाद हुई स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के चलते शनिवार को निधन हो गया। अस्पताल के एक अधिकारी ने जानकारी दी। सोलापुर जिले के पंडरपुर मंगल वेधा क्षेत्र से 3 बार विधायक रहे भालके की आयु 70 वर्ष थी। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के चलते उन्हें 9 नवंबर को यहां के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। कोरोना वायरस रोधी टीके के निर्माण में लगी स्वदेशी कोवैक्सीन के इंसानों पर नैदानिक परीक्षण के तीसरे चरण की शुरुआत बृहस्पतिवार को यहाँ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में हुई। संस्थान के तंत्रिका विज्ञान केंद्र की प्रमुख एमवी पद्मा श्रीवास्तव और अन्य तीन अन्य स्वयंसेवकों ने टीके की पहली खुराक ली। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का दावा है, दिल्ली के पास वैक्सीन का पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम मौजूद है। कोरोना वैक्सीन मिलने की स्थिति में कुछ ही सप्ताह में पूरी दिल्ली को वैक्सीन लगा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है और राजधानी को वैक्सीन में प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। गौरतलब है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत सहित दुनिया के कई देशों में काफी तेजी से काम चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। देश में कोरोना वायरस के कुल मामले 93 लाख के पार पहुंच गए हैं। पहले की तुलना में रोजाना आने वाले नए मामलों की संख्या में कमी देखने को मिल रही है। इस बीच भारत में कोरोना टेस्टिंग का स्तर 1 लाख टेस्ट प्रति 10 लाख आबादी के पार पहुंच गया है। सीधे शब्दों में समझे तो देश की 10% आबादी का कोरोना टेस्ट हो चुका है। देश में अब तक कुल 13,82,20,354 टेस्ट हुए हैं। भारत ने तटीय चौकसी बढ़ाते हुए चीन पर नजर रखने के लिए पड़ोसी मुल्कों से मदद ली है। सुरक्षा के मद्देनजर रडार हिंद महासागर क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं। चीन का प्रभाव बढ़ रहा है, इसे देखते हुए भारत अपने पड़ोसी मित्र देशों के साथ सहयोग बढ़ाना चाहता है। हाल ही में भारत ने म्यांमार को INS सिंधुवीर सौंपा है, जो म्यांमार के नौसैनिक बेड़े में पहली पनडुब्बी है। दिल्ली में आज कोरोना के 4,998 नए केस, पिछले 24 घंटे में 89 मरीजों की मौत। उत्तराखंड में कोरोना के 424 नए केस दर्ज किए गए हैं। राज्य में अब तक 73,951 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। ग्रेटर नोएडा में मोबाइल कंपनी के वेयर हाउस में भीषण आग लगने से नुकसान की खबर है। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां आग पर काबू पाने का काम कर रही हैं। मिली जानकारी के अनुसार जानमाल के नुकसान का फिलहाल अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है। जम्मू कश्मीर DDC डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट परिषद के प्रथम चरण की चुनावी प्रक्रिया संपन्न। पहले चरण में 51.76% मतदान से राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त करने की कवायद जारी है। ओवैसी के गढ़ में गरजे योगी, हैदराबाद को भाग्यनगर बनाने के लिए आया हूं, ऐसा कहते हुए बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने हैदराबाद दौरे के बाद अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के मल्काजगिरी में रोड शो किया है। रोड शो के बाद वे शाहली बंडा में जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री और फतेहपुर की सांसद साध्वी निरंजन ज्योति कोरोना संक्रमित हो गई हैं। शुक्रवार देर रात परीक्षण में पुष्टि होने के बाद उन्हें कानपुर LLR अस्पताल हेल्थ के कोविड ICU में शिफ्ट किया गया। उन्हें दोनों फेफड़ों में निमोनिया भी है। सांस लेने में तकलीफ होने पर शुक्रवार देर रात LLR हॉस्पिटल के मेडिसिन ICU में भर्ती कराया गया था। दिकन टैप में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें दिकन टैप। धन्यवाद।